और एक बड़ी खबर सामने आ रही राजधानी रांची से। बीजेपी से राज्यसभा के लिए संभावित प्रत्याशी के नाम समीर उरांव, आशा लकड़ा, अरुण उरांव और जेबी तुबीत के नाम की चर्चा हो रही है। प्रदेश चुनाव समिति के समक्ष आएंगे चार नाम। केंद्रीय चुनाव समिति किसी एक नाम पर मुहर लगाएगी। प्रदेश चुनाव समिति के समक्ष आए हैं ये चार नाम। आपको बताएं कि राज्यसभा से दो ऐसे सांसद हैं जिनका कार्यकाल पूरा हो रहा है, समीर उरांव और धीरज साहू को लेकर बीजेपी की ओर से ये चार नाम सामने आए हैं। बीजेपी से राज्यसभा के लिए संभावित प्रत्याशी के नाम जो है वो अब सामने आ रहे हैं। समीर उरांव, आशा लकड़ा, अरुण उरांव और जेबी तुबीत के नाम की चर्चा हो रही है। अब उस पर केंद्रीय चुनाव समिति मुहर लगाएगी। बीजेपी से राज्यसभा के लिए संभावित प्रत्याशी के नाम चार समक्ष आ चुके हैं। समीर उरांव उनमें सबसे पहले, जो कि पहले भी राज्यसभा के लिए सांसद रहे हैं बीजेपी की ओर से, आशा लकड़ा हैं, अरुण उरांव हैं और जेबी तुबीत के नाम पे चर्चा हो रही है। ये चार नाम प्रदेश चुनाव समिति के समक्ष आए। ये चार नाम केंद्रीय चुनाव समिति किसी एक नाम पर मुहर लगाएगी। चार नामों पर चर्चा हो रही है, अब चुनाव आयोग इस पर मुहर लगाएगी। चलिए राजेश हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए, अधिक जानकारी के साथ उनका रुख कर लेते हैं। राजेश, देखिए राज्यसभा से बीजेपी के लिए संभावित ये चार प्रत्याशियों के नाम सामने आ चुके हैं जिन पर चर्चा हो रही है, जिनमें समीर उरांव भी हैं जो कि पहले भी बीजेपी के से ओर से जो है वो राज्यसभा के लिए सांसद रहे हैं। समीर उरांव का ही कार्यकाल पूरा हो रहा है और वही सीट खाली होने वाली है, उसी के लिए चुनाव होना है। भारत निर्वाचन आयोग ने इसकी जानकारी दे दी है, 4 तारीख से इसकी प्रक्रिया शुरू होगी। तो बीजेपी प्रदेश चुनाव समिति की बैठक अभी चल रही है, जो हमारे सूत्र बता रहे हैं उसके हिसाब से समीर उरांव का भी नाम है और सबसे पहला नाम इन्हीं का है। उसके बाद आशा लकड़ा जो रांची नगर निगम की मेयर रह चुकी हैं उनका है। इसके अलावे अरुण उरांव हैं, वो बीजेपी एसटी मोर्चा के बड़े पदाधिकारी हैं, राष्ट्रीय टीम में हैं और पूर्व आईपीएस अधिकारी रह चुके हैं, अरुण उरांव का भी नाम है। इसके अलावा जेबी तुबीत जो आईएएस ऑफिसर रह चुके हैं, झारखंड कैडर के आईएएस ऑफिसर रह चुके हैं, फिलहाल वो पार्टी में प्रवक्ता भी हैं। तो ये चार नाम की चर्चा हो रही है। अब यहाँ से अनुशंसा होगी केंद्रीय चुनाव समिति के बाद, वहाँ पर विचारोपरांत जो पार्टी की अपनी प्रक्रिया है, कार्य पद्धति, उसके हिसाब से किसी एक व्यक्ति के नाम पर मुहर लगेगी, वही व्यक्ति राज्यसभा चुनाव के लिए प्रत्याशी होगा। क्योंकि स्पष्ट है कि 2 सीटें खाली हैं, तो एक ही सीट पर बीजेपी का कोई प्रत्याशी खड़ा हो सकता है। जो आंकड़े हैं बीजेपी के पास उसके हिसाब से एक ही प्रत्याशी जीत सकता है। सुष्मिता, बिल्कुल राजेश, तो अब ये चार नाम जिन पर चर्चा और समीर उरांव जिनका ये सीट खाली हो रहा है और उनका नाम सबसे पहले है बीजेपी की ओर से, अब ये चार नाम जो सामने आ रहे हैं इस पर क्या कुछ मुहर लगेगी ये भी हम देखेंगे। फिलहाल राजेश आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। News 11 भारत, सच है तो दिखेगा।